हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 20 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि किसे 2019 के अक्की नेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2019 का जो अक्की नेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है रेखा को, और इसके अलावा 2018 का ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है श्रीदेवी को। मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया है। आज का हमारा प्रश्न है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म भोंसले ने एशियाई फिल्म महोत्सव बार्सिलोना में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, इस फिल्म में किसने अभिनय किया है? ये चार ऑप्शन है, नाना पाटेकर, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको कमेंट करके बताना है। गाइज, हमारी टेस्ट सीरीज आप मध्य प्रदेश की ले सकते हैं, इसका शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मध्य प्रदेश जीके साइंस, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। व्यापम के अन्य परीक्षाओं के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की। 19 नवंबर को प्रदेश की समस्त महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना कहां से प्रारंभ की जाएगी? तो देखिए, निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना जो है ये 19 नवंबर यानी कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस यानी कि 19 नवंबर यानी कि ये शुरू कर दिया गया है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये इनके लिए मतलब शुरू करी जाएगी, और इसका जो शुरुआत है ये करा जाएगा कहाँ पर? आपकी भोपाल में जो शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय है उसमें शुरू करी जाएगी। किसके द्वारा करी जाएगी? परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा करी गई है, एक्चुअली में ये हो चुका है, 19 तारीख का ये आपका डेटा है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्टोन ग्रेनाइट पार्क की स्थापना की जाएगी? तो स्टोन ग्रेनाइट पार्क जो है इसकी स्थापना करी जाएगी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, और इसके साथ ही प्रदेश के छतरपुर जिले के जो खजुराहो है उसमें डायमंड म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे स्टोन ग्रेनाइट पार्क जो है इसकी स्थापना छतरपुर जिले में करी जाएगी। खनिज संसाधन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? ये हैं श्री प्रदीप जायसवाल। गाइज, एक टेस्ट सीरीज, एक मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करी है, बहुत सस्ती है। इसमें 10 टेस्ट हैं सिर्फ 20 रुपए में। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी इसकी जो प्राइस है वो 10 दिन तक सिर्फ 20 रुपीज है, इसके बाद फिर इसकी जो प्राइस है वो 59 रुपीज हो जाएगी। ये सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया? तो पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय का जो लोकार्पण है वो करा गया है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ठीक है। और किसने करा है? लालजी टंडन ने करा है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन होंगे? श्री मुकेश तिवारी होंगे। देखिए, कुलपतियों से संबंधित जो करंट अफेयर होता है वो जरूर आप याद रखें, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि 2018 में जो पेपर्स हुए थे उनमें कुलपतियों से भी प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास मिशन में लगभग कितने आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है? देखिए, ये डेटा वाले क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स की बात करी जा रही थी। तो सारे अचीवमेंट्स में डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है कब तक रहेगा, आपका नवंबर तक का डेटा रहेगा। और इसमें मुख्यमंत्री आवास मिशन जो है ये 11 सितंबर 2019 को शुरू करा गया था, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास मिशन। तो ये डेट याद रखें, ठीक है। और इस मिशन में 1,15,892 यानी कि लगभग 1,16,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण की जो योजना है वो स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में 1,50,000 भूमिहीन परिवारों को निवास योग्य पट्टे वितरण की कार्यवाही भी अभी चल रही है। साथ ही प्रदेश में अक्षय जल संचय अभियान प्रारंभ किया गया है, और इस अभियान में 378 नगरीय निकायों में 80,000 से अधिक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए। ये बहुत बढ़िया चीज ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए, नेचर के लिए अगर देखा जाए, एनवायरमेंट के लिए अगर देखा जाए, बहुत अच्छे ये काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में 10 लाख पौधे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 11 लाख पारंपरिक लाइटें जो हैं उनको LED में ही बदला जाएगा, ठीक है। अभी हमने रिसेंट में डिस्कस भी किया था कि इसके लिए एक जिले को अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। और इससे जो स्ट्रीट लाइट की जो विद्युत खपत है वो 50% तक कम हो जानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किए जाने की योजना है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनको प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश में कुल 380 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है। इसमें अभी हाल में अगर बात करें तो इंदौर में 40 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। सारे देखिए डेटा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना होगा क्योंकि लास्ट ईयर जब पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक नागरिकों के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी ले ली गई है। इसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए 4 लाख कपड़े के झोले भी सरकार के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए 1500 से अधिक बर्तन बैंक भी बनाए गए हैं। इससे पहले भी हम बर्तन बैंक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए भी 836 छोटे कचरा संग्रहण वाहन भी खरीदे जा रहे हैं, साथ ही 83 मटेरियल रिकवरी केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2019 तक मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना कितने नगरीय निकायों में संचालित की जा रही है? देखिए, फरवरी 2019 में ये योजना लाई गई थी और इसमें 100 दिन का रोजगार और प्रशिक्षण देने का वादा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। तो अगर अभी हाल में इसकी हम बात करें तो टोटल 166 जो नगरीय निकाय हैं उनमें ये संचालित की जा रही है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। स्टार्ट कब हुई है? फरवरी 2019 में, ठीक है, फरवरी 2019 के करंट अफेयर में ये मिल जाएगा आपको। और अभी हमारी रिसेंट में जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें 4000 रुपये जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जाता है, यानी टोटल जो स्टाइपेंड दिया है ये 100 दिन का टोटल स्थायी रोजगार, यानी जिसको प्रशिक्षण हम आपको मतलब बता सकते हैं, तो इसमें टोटल जो है वो कितना दिया जाएगा? 13000 रुपये दिया जाएगा 100 दिन का, ठीक है। और नगरीय क्षेत्रों के जो युवा हैं उनको व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना संचालित करी जा रही है। इसमें अस्थायी रोजगार अथवा स्टाइपेंड उनको दिया जाता है। 166 नगरीय निकाय में अभी तक संचालित हो रही है। वर्तमान की बात करें तो 19,932 जो हितग्राही हैं वो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा 18,396 पात्र हितग्राहियों को 12,10,00,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में भी वितरित किए जा चुके हैं, ठीक है। मतलब अभी तक इनको मतलब इनका जो 100 दिन का प्रशिक्षण है वो हो चुका है, बाकियों का भी जो है वो चल रहा है, तो इतने लोगों को भी ये वितरित किया जा चुका है, ठीक है। तो 166 नगरीय निकाय, बाकी जो डेटा मैंने बताया है वो भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, यूजीसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रैगिंग की घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में किस स्थान पर है? तो देखिए, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका अभी हाल ही में कुछ ताजा आंकड़े यानी रिपोर्ट एक आई है जिसमें रैगिंग की जो घटनाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है तीसरा, ठीक है। मध्य प्रदेश में काफी घटनाएं इसके बारे में आती रही हैं। 717 रैगिंग की जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं और ये वो घटनाएं हैं जो रजिस्टर हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन रजिस्टर्ड घटनाएं हैं वो इसमें आपकी नहीं आएंगी क्योंकि ये जो डेटा है रजिस्टर्ड डेटा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसके ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश देश भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल इसमें दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षण संस्थान है उनमें 1148 शिकायतें आई हैं, पश्चिम बंगाल के जो शिक्षण संस्थान है उनमें 781 और मध्य प्रदेश में 717 रैगिंग की घटनाएं रजिस्टर्ड करी गई हैं। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो आपको 1 दिसंबर तक मिल जाएगी ई बुक के फॉर्म में, इसलिए आप प्लीज व्हाट्सएप मुझे बार बार, अगर आप इस चीज के लिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फिर मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि 1 दिसंबर तक मैं आपको दे दूंगा पूरी। अगर मैं कंप्लीट नहीं भी कर पाया तो पिछले जो 6 महीने हैं उन 6 महीने का मैं आपको करंट अफेयर कंप्लीट करके अभी दे दूंगा। इसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर बाकी के जो 6 महीने हैं उनको भी मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें और पेशेंस रखने के साथ साथ तैयारी करें। और एक वो शब्द यूज करते हैं, भड़बड़ाएं मत। एग्जाम आता है तो बहुत जल्दी लोगों को लगती है, जब से 2 साल बाद खैर एग्जाम आया है। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ MPPSC की वैकेंसी आई है, ठीक है, आगे और अभी कोई फिलहाल 2-3 महीने कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो ऐसा मत सोचिए।
आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स इस बार आने हैं और आप तैयार हो जाइए 100%। अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि MPPSC का ही नोटिफिकेशन आया, अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपके 1 या 2 नोटिफिकेशन एग्जाम्स के और भी आ सकते हैं। इसलिए मेंटली तैयार करिए अपने आप को, और बाकी जो तैयारी आपकी चल रही है उसको आप जरूर जारी रखिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।